ये उन दिनों की बात है। दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। बस थोड़ी ही देर में 1992 के मिस्टर एंड मिस फ्रेशर हमारे सामने होंगे। एक बार जजेस अपना स्कोर बता दें, फिर हम आपको उनके नाम बताते हैं। और अब मैं सभी ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आ जाए। दोस्तों, ये है हमारे जजेस का फैसला। अब ये पेपर हमें बताएगा कि कौन है इस साल के मिस्टर एंड मिस फ्रेशर। लेकिन उससे पहले मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आए और दो शब्द कहें। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना बढ़िया और अच्छा अरेंजमेंट किया है। हमारा ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए मशहूर नहीं है, वीजेएन आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। इसलिए हर साल हमारे यहाँ ये कंपटीशन होता है ताकि फ्रेशर्स का हौसला बढ़े और उनमें जीतने की चाह पैदा हो। बस करो मैडम, सारा भाषण हाथ ही दे दोगी क्या? जल्दी से नाम अनाउंस करो। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं और आप लोगों को मेरी स्पीच नहीं सुननी है, आप लोगों को विनर्स के नाम जानने हैं, करेक्ट? तो ठीक है, मैं अपना स्पीच बस यहीं खत्म करती हूँ और लेट्स गेट द विनर्स लिस्ट। तो आज के हमारे वीजेएन यूनिवर्सिटी के मिस्टर फ्रेशर 1992 के विनर हैं मिस्टर समीर महेश्वरी। देखा कार्तिक, चोरी करने का नतीजा तुम्हारे सामने है। और अब बारी है मिस फ्रेशर 1992 के विनर का नाम अनाउंस कर। एंड द विनर इज के मिस्टर और मिस फ्रेशर हैं समीर एंड सुनैना। जैसे कि शाहरुख खान ने कहा था कि कुछ चीजें हम जिंदगी में एक ही बार करते हैं, लेकिन एक बार जीने, एक बार मरने
और एक बार प्यार करने के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम जिंदगी में एक ही बार करते हैं। हम कॉलेज भी एक ही बार जाते हैं और पहले साल में पहली बार स्टेज पर जाना भी एक ही बार होता है, और उस पहली बार के कॉम्पिटिशन में मैं हार गई। हारने से ज्यादा दुख इस बात का था कि चाहे आगे कुछ भी कर लूं, लेकिन 1992 के फ्रेशर्स के विनर्स की लिस्ट में समीर का नाम तो अब हमेशा सुनैना के साथ ही लिया जाएगा। हाँ। नैना, ट्रॉफीज के साथ मेरा रिश्ता काफी दूर का रहा है। कॉलेज का पहला साल और हाथ में थमी हुई ट्रॉफी, ये मेरे लिए वैसे तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरी असली जीत नैना की हंसी में थी जो कहीं खो गई थी। तो मैं कैसे चुपचाप हाथ पर हाथ, हाथ में ट्रॉफी रखकर खड़ा रहता। 1992 में वीजीएन यूनिवर्सिटी में मिस्टर और मिस फ्रेशर तो चुने गए थे, लेकिन इस बात को साबित करने वाली फोटोज कहीं नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं मिस फ्रेशर को छोड़कर अपनी असली मिस के पास जाके खड़ा हो गया था। इट्स टाइम फॉर ए फोटोग्राफ। तुम्हारे कपड़े ठीक से नहीं है। थैंक्स। अरे अभी अभी तो तुम्हारे पास ही था ना। हाँ, यहाँ पे रखा था मैंने। क्या हुआ? मैम, मैंने वहाँ पे स्टैश रखा था, पता नहीं कहाँ गया। रेड रोज ना चला गया हो कुछ खाने पीने। केवीआर। अरे कहाँ चला गया स्टैश, ढूंढो। Let's not waste more time now. आप ऐसी ही फोटो ले लो without stash. चलो। समीर, अब ये कहाँ चला गया? मैडम, यहाँ कोई मैजिशियन तो नहीं आया हुआ? पहले मिस फ्रेशर का स्टैश गायब हुआ और अब मिस्टर फ्रेशर ही छूमंतर हो गया। चल ना। क्या है स्वाति, यहाँ क्यों लाई है? अब तेरे प्यारे से चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाने के लिए, और वो स्माइल हम लेकर आएंगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? महबूब मेरा, महबूब मेरा, महबूब मेरा, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब, मेरी अनजानी ख्वाहिश है मेरा महबूब, सरगोशिया चुपके करे दस्तक से दे दिल पे मेरा महबूब, मेरे ख्वाबों की तपिश है मेरा महबूब। यहाँ फोटो सेरेमनी तो वहाँ चल रही है। चल पंडित, हो जा शुरू, क्योंकि हमारे लिए तो तुम ही हमारी मिस फ्रेशर हो। अक्सर हीरोइंस तब खुश होती हैं जब हीरो उनके लिए चांद तारे तोड़ लाए, और एक मैं थी जो चुराए हुए सैश और ट्रॉफी पाने पर बड़ी खुश हो रही थी।
वैसे तरीका कोई भी हो, नियत में सच्चाई होनी चाहिए, और समीर की नियत में तो प्यार की सच्चाई थी। बिल्कुल सही जीजा जी। अरे यार साथ में साथ में साथ में साथ में अच्छे लगते दोनों। तमन्ना बन गए हो, इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो। तमन्ना बन गए हो, इबादत बन हमारी तुम जरूरत बन गए हो। क्या पता तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे हमने तुमको सजा दे दी। कोई मस्त सा पोज वोज बनाओ ना। अरे चैंपियन टाइप पोज करो। एक सेकेंड। अरे वाह, क्वीन एलिजाबेथ लग रही हो। ए पंडित, एक हम सबके साथ भी हैं। सब साथ साथ आ जाओ। अरे काम्या, इसकी ना रील नहीं चल रही यार, एक बार चेक करना। हट। मेरे को लगता है इसका पेट्रोल खत्म हो गया। काम्या। पागल कहीं का। And the winner is Sunaina. नैना जल्दी चलना, यहाँ पे क्यों खड़ी है? किसी ने देख लिया तो क्या? Don't worry, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। जाएगा कहाँ? पर जेबी यार, मेरा स्टैश कैसे गायब हो सकता है? बहन भाग भाग भाग, जेबी और सुनैना आ रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह याद है तुमने अपना स्टैश वहीं रखा था? यस जेबी यार, मैंने वहाँ मेरा स्टैश। जेबी यार, मेरा स्टैश यहाँ पे कैसे आया? मेरा नाम भी चेंज करके नैना कर दिया। पहले ही कहा था यहाँ पे कोई मैजिशियन आया हुआ है। अब सुनैना का सू भी गायब हो गया। बैड जोक, मिट गया होगा, ठीक करवा लेंगे। चलो स्टैश तो मिल गया ना। चीचा जी, मम्मी नमस्ते। एक मिनट, पूजा दीदी को लेने तो नहीं आए हो ना? नहीं नहीं, अभी अभी तो आई है पूजा दीदी। हाँ हम इतना जल्दी नहीं जाने देंगे। हाँ कम से कम 10-12 दिन तो रुक कर ही भेजेंगे। और अगर 10-12 दिन भी ओ भाई सांस तो ले लो। आते ही बड़ 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 आराम से। जीजा जी। अरे नहीं नहीं ना, तुम्हारी पूजा दीदी का लौटना अब इन्हीं पर निर्भर करेगा। प्रतियोगिता का क्या हुआ, जीत गई ना? वैसे अच्छा हुआ जीजा जी आप आ गए, इसी बहाने कचौड़ी और समोसे तो खाने मिल गए। क्यों नहीं रही? ये क्या तरीका है हा?
मेहमानों के सामने ऐसे दांत निकाल के खिकी 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 कर रही हो? अरे जीजाजी आए हैं, कुछ तो लाज शर्म करो। जाओ, यहाँ बड़ों के बीच बैठने की जरूरत नहीं है। नीचे जाके सब्जी छांटो, मैं आती हूँ अभी। जी ताई जी। और बताओ बेटा, घर पे सब कुशल मंगल तो है ना? क्या बात है दामाद जी, कुछ परेशान से लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब हमारी पूजा ने वहां कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? भगवान जी उठना बुलाए भाभी जी, आपने चटनी तो ली ही नहीं, मतलब सूखे सूखे तीन समोसे खा लिए चटनी। ओ भाई, मेरे समोसे गिर रही हो तुम? वही मैं सोचूं कि कौन है जो नजर लगाता है, जो मेरा पेट हमेशा खराब बना रहता है। छोड़ो दामाद जी, आपने तो जवाब ही नहीं दिया। अरे नहीं नहीं ताई जी, सब ठीक है। वो तो मुझे पूछा की याद आ गई ना, इसलिए मैं चला आया। वाह, समोसे लो ना। कितना हुआ भैया जी? न मोल न भाव, कितने पैसे हुए भैया? ऐसे सब्जी ले जाती है? ससुराल जाके ससुराल वालों का दिवाला निकलवाओगी? ताई जी मोल भाव करने की क्या जरूरत है, रोज तो लेते हैं इनसे सब्जी। चुप, बहुत जबान चलने लगी है तेरी, कैची के जैसे कच 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 कच। भिंडी ऐसे ली जाती है? देखो मैं दिखाती हूँ ऐसे लेते हैं भिंडी, देखो। और भैया तुम भी ना बच्चों को देख के लूटने लग गए। इबादत बन गए हो, सांसों की हमारी तुम जरूरत बन गए हो। तमन्ना बन गए हो, इबादत बन गए हो। उन दिनों हर प्यार करने वालों के चेहरे में मुझे अपना और समीर का चेहरा दिखाई देता था। उस दिन जब बाइक पर मैंने उन दोनों की जगह खुद को और समीर को देखा तो हमेशा की तरह घबराहट तो हुई पर दिल में थोड़ी सी गुदगुदी भी हुई। शायद वो उम्र ही कुछ ऐसी थी, शायद वो प्यार ही कुछ ऐसा था। देखा ऐसे लेते भी। ओ भाई, ये जमाना आ गया आजकल, जरा भी शर्म नहीं आजकल के बच्चों में। बताओ अभी जमीन पे पैर पड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं और मोटरसाइकिल में फुर्र 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 ऐसे भरे बाजार में रास्ते लेना चाह रहे। जी तो कर रहा है कि कान के नीचे थप्पड़ लगाऊं और इनके माँ बाप के पास पकड़ के लेके जाऊं और जूते पड़वाऊं। हद हो गई, देखो कैसे चिपक के बैठे हैं बेशरम। एक हमारा भी जमाना था, हमारी भी शादी हुई थी, लेकिन बचाल है
कि तुम्हारे ताऊ जी को कभी उंगली से भी छुआ हो। पता है तुम दोनों क्या तमाशा देख रही हो? हैं? कान खोल के सुन लो, तुम दोनों ने ये लक्ष्मण रेखा पार की ना कभी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम दोनों की, समझी? जी नहीं जी। एक जमाना था जब लड़का और लड़की का एक कमरे में सिर्फ खड़े रह जाना पाप माना जाता था, और फिर अगली जेनरेशन में को एजुकेशन बेशर्मी की बात मानी जाती थी। और फिर आया 90s। 90s में तो लड़का और लड़की एक साथ बाइक पर बैठे नजर आ गए तो स्कैंडल ही नहीं महा स्कैंडल बन जाता था। अब ऐसे में हमारे लिए अपना नाम आशिकों की लिस्ट में सुनहरे अक्षरों में लिखवाना कितना कठिन हो गया था, समझ सकते हैं आप? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.